हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे सिर्फ अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत प्यार मिला है। हम बात कर रहे हैं द लीजेंड MS धोनी की। MS धोनी टीम इंडिया के वो कप्तान रहे जिन्होंने भारतीय टीम को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ODI, टेस्ट और 2020 चैंपियन बनाया। इसके अलावा उन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया। अब तक 3 IPL ट्रॉफी, चैंपियंस लीग और भी बहुत सी सीरीज अपने नाम की। MS धोनी की विकेट कीपिंग में फुर्ती, रनिंग स्पीड और बिना देखे थ्रो मार देना भी उन्हें असाधारण बनाता है। माही ने दुनिया को ये भी बताया कि बिना अच्छी टेक्निक के भी अच्छा और महान बल्लेबाज बना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक टिकट कलेक्टर से लेकर पूरी दुनिया को अपने खेल और व्यक्तित्व से दीवाना बनाने वाले MS धोनी की। इसके साथ ही हम उनकी लव स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी और कुछ बहुत दिलचस्प बातों को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची झारखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ। तब रांची बिहार में हुआ करता था। माही के पिता का नाम पान सिंह धोनी है जो मीकॉन में जूनियर मैनेजर का काम करते थे। धोनी के माँ पापा के अलावा उनकी एक सिस्टर हैं और एक भाई है। उनकी बहन का नाम जयंती और भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से की। धोनी को बचपन में क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धोनी को सचिन की बल्लेबाजी देखना बहुत पसंद था। 1992 वर्ल्ड कप के दौरान धोनी इसीलिए जल्दी उठा करते थे कि वो सचिन को बल्लेबाजी करता देख सकें। धोनी को बचपन में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना पसंद था। वो क्रिकेट भी खेलते थे पर बहुत कम। माही फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि काफी छोटी उम्र में वो रांची की डिस्ट्रिक्ट टीम में भी पहुंच गए थे। धोनी फुटबॉल में एज ए गोलकीपर खेला करते थे। उनकी अच्छी गोलकीपिंग देखते हुए एक लोकल क्रिकेट क्लब ने धोनी से अपनी टीम में एज ए विकेटकीपर शामिल करने का प्रस्ताव रखा। धोनी ने वो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। वो विकेटकीपर के तौर पर चुने गए, पर कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करने लगे थे। वो इस क्लब में ही नहीं, अपने स्कूल में और आसपास भी अपने छक्कों की वजह से काफी फेमस हो गए थे। धोनी टूर्नामेंट्स में ज्यादा और लंबे छक्के मारने की वजह से काफी इनाम जीतने लगे। जिस क्रिकेट क्लब ने धोनी को विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया था, उस क्लब के लिए धोनी ने 3 साल क्रिकेट खेली। इस क्लब में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, इसीलिए धोनी को 1997-98 में वीनू मंकड़ Under-16 चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया। इस चैंपियनशिप में धोनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उसी दौरान माही ने रेलवे TTE का एंट्रेंस एग्जाम दिया जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। MS धोनी ने साल 2001 से साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से अपनी TC की जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के साथ साथ माही क्रिकेट भी खेल रहे थे। साल 2001 में धोनी पहली बार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिले। ये दलीप ट्रॉफी थी जिसमें सचिन की टीम धोनी की टीम के खिलाफ खेल रही थी। धोनी इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। धोनी की टीम फील्डिंग कर रही थी और वे 12th मैन के तौर पर अपनी टीम को पानी पिलाने गए। सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने खुद धोनी से बोला कि मुझे पानी मिल सकता है क्या, तो धोनी ने हल्की स्माइल के साथ सचिन को पानी दे दिया। धोनी ने 2001 से 2003 तक एज ए TC काम किया। धोनी के साथ काम करने वाले कई लोगों ने खुलासा किया कि वो एक बेहतरीन इंसान थे और अपना काम भी बहुत जिम्मेदारी से करते थे। धोनी उन दिनों भी अभी की तरह शरारती हरकतें और मस्ती किया करते थे। एक बार रात को धोनी ने एक नई सफेद चादर ओढ़ी और अपने लंबे बाल आगे कर लिए। वो इसी डरावने रूप में पूरी कॉलोनी में घूमने लगे जिससे वहां रहने वाले बहुत से लोग काफी डर गए थे। रेलवे की जॉब करते हुए माही रणजी खेल तो रहे थे, पर उनका खेल न ज्यादा इम्प्रूव हो रहा था और न वो आगे जा पा रहे थे। दोस्तों, अगर आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि धोनी की मुलाकात प्रियंका, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनसे इंडिया पाकिस्तान सीरीज के दौरान हुई। लेकिन रियल में धोनी प्रियंका से साल 2002 में मिले थे जब वो कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे। वो सिर्फ रणजी तक ही पहुंचे थे। साल 2004 में जब माही का सिलेक्शन इंडिया ए में हुआ, उसी दौरान प्रियंका का रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। धोनी को प्रियंका से बहुत लगाव था
प्रियंका की मौत के बाद धोनी काफी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने खेल पर फोकस कर लिया। धोनी जब रेलवे में टीसी की जॉब कर रहे थे तब वो ज्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को नहीं दे पा रहे थे जिससे वो अपना खेल इम्प्रूव कर सकें। क्रिकेट को फुल टाइम देने के लिए माही ने रेलवे की जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने की बात जब उनके पापा को पता चली तो वो काफी नाराज हुए, लेकिन तब तक धोनी ने मन बना लिया था कि अब वो अपना पूरा टाइम क्रिकेट को ही देंगे। उनके दिल में क्रिकेट के लिए जुनून सवार हो गया था। एमएस धोनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन रणजी या किसी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं, किसी और जरिए से हुआ। दरअसल बीसीसीआई की एक टीम होती है जो छोटे छोटे शहरों में अच्छे टैलेंट खोजने का काम करती है। बीसीसीआई की उस टीम के सामने धोनी ने ट्रायल दिया जिसमें उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए। धोनी की टेक्निक तो अच्छी नहीं थी पर उनके लंबे छक्कों को देखते हुए धोनी का सिलेक्शन नेशनल टीम में कर लिया गया। ये सिलेक्शन उनकी क्रिकेट करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। धोनी ने पहली सीरीज इंडिया ए के लिए केन्या के खिलाफ खेली। इस श्रृंखला में धोनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। धोनी ने केन्या में इंडिया के लिए 2 शतक और 1 अर्धशतक बनाया। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, जब धोनी इंडिया ए के लिए खेलते थे तो उसी टीम का हिस्सा आकाश चोपड़ा भी थे। जब आकाश ने धोनी के लंबे बाल देखे तो धोनी को एडवाइस दी कि हो सकता है तुम्हारे लंबे बालों की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन टीम इंडिया में कभी ना हो पाए, तुम अपने बाल छोटे करा लो। धोनी ने आकाश की बात ज्यादा सीरियस न लेते हुए रिप्लाई दिया कि क्या पता हम इंडिया के लिए खेलें और लोग मेरे जैसा हेयर स्टाइल फॉलो करें। धोनी की ये बात सच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। केन्या में अच्छा प्रदर्शन देखते हुए तब के कप्तान सौरभ गांगुली और सिलेक्शन टीम का ध्यान धोनी पर गया और उन्हें 2004 में पहली बार टीम इंडिया के 15 खिलाड़ियों में जगह मिल गई। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज थे, दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी। मैच से पूर्व धोनी जब प्रैक्टिस में दिनेश कार्तिक को बॉलिंग कर रहे थे तो आकाश चोपड़ा ने धोनी से बोला कि तुम्हें पता है तुम जिसको बॉलिंग कर रहे हो वो तुम्हारा कंपटीटर है। इस पर धोनी ने आकाश को बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैटिंग करनी है तो मैं आपको भी बॉलिंग डाल दूंगा। उस सीरीज में सौरभ गांगुली ने एमएस धोनी को 11 सदस्यीय टीम में भी जगह दी, लेकिन उनका पहला मैच ही बेहद दुर्भाग्यशाली और खराब साबित हुआ। वो उस मैच में 0 पर रन आउट हो गए। इसके बाद भी उन्हें टीम में जगह दी गई पर उनका बल्ला किसी मैच में नहीं चल सका। इस सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। ये सीरीज खत्म होने के बाद जब सभी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो उन्हीं में से कुछ सीनियर प्लेयर धोनी से मजे लेने लगे। एमएस धोनी से कहा गया कि टेबल पर खड़े हो जाओ और अपने बारे में बताओ। धोनी ने वहां बताया कि मैं शुरू से ही सचिन का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता आया हूं पर मैं सचिन की बल्लेबाजी देखना हमेशा से पसंद करता था। धोनी की बात सुनकर सब हंसने लगे। धोनी के अपने पहले टूर में ही कई खिलाड़ियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। एमएस धोनी की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही पर उनकी अच्छी विकेट कीपिंग की वजह से उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध एक बार फिर टीम में शामिल कर लिया गया। अब तक माही एक आम खिलाड़ी थे और दिनेश कार्तिक के रहते हुए उनके प्लेइंग 11 में खेलने पर भी सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में कप्तान सौरभ गांगुली ने उन्हें 3रे नंबर पर खेलने का मौका दिया, क्योंकि गांगुली ये जानते थे कि धोनी को अभी ठीक से अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका नहीं मिला है। सचिन के रन आउट होने के बाद धोनी बल्लेबाजी करने आए। धोनी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उनकी बल्लेबाजी देखकर लोग समझ गए कि दुनिया को एक बेहतरीन प्लेयर मिलने वाला है। धोनी ने इस मैच में 123 गेंदों में 148 रन बनाए जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। अपने पहले ही शतक में 148 रन बनाने का रिकॉर्ड इंडियन प्लेयर्स में अभी भी धोनी के नाम ही है। इसके बाद धोनी की टीम में जगह बन गई। इसके बाद साल 2005 में ही धोनी ने श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 183 रन बनाए जो उनका ओडीआई क्रिकेट में बेस्ट स्कोर है। इस मैच में धोनी ने 10 छक्के भी लगाए थे। अब धोनी की जगह टीम में बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी क्योंकि धोनी विकेट कीपिंग में और बैटिंग में बहुत शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे और धोनी के छक्कों की वजह से उनके करोड़ों फैन भी बन गए थे। साल 2007 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की बुरी तरह हार हुई जिसके बाद कप्तान राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया।
अब टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना था। जब सचिन से टीम का कप्तान बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने T20 खेलने से मना करते हुए MS धोनी को कप्तान बनाने की बात रखी। टीम मैनेजमेंट सचिन से सहमत हुए और MS धोनी को उस वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बना दिया गया। जो टीम राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में कमजोर लग रही थी, वही टीम MS धोनी की कप्तानी में बहुत मजबूत दिखने लगी। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में पाकिस्तान के सामने बहुत छोटा लक्ष्य था, पर फिर भी टीम की गेंदबाजी और रणनीति ने ये स्कोर बचाकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। धोनी की बेहतरीन कप्तानी देखते हुए उन्हें टीम इंडिया का ODI का कप्तान भी बना दिया गया। धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर अपने लंबे बालों को छोटा करा लिया। 2008 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में मात दे दी। ये टीम इंडिया की बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि तब टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम थी और वर्ल्ड चैंपियन भी थी। इसके बाद भारतीय टीम ने बहुत सी सीरीज अपने नाम की। साल 2008 में ही IPL शुरू हुआ था, जिसमें MS धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके थे। वो शुरू से ही CSK के लिए IPL खेलते आए हैं, केवल 2016 और 17 को छोड़कर। धोनी की लाइफ पर जब भी बात होगी तो वर्ल्ड कप 2011 का जिक्र जरूर होगा। इस वर्ल्ड कप में भारत ने 2007 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराकर ये बता दिया कि भारत चैंपियंस की तरह खेल रहा है। क्वार्टर फाइनल के बाद भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन फाइनल में 275 रन का पीछा करते हुए 31 रन पर 2 विकेट चले गए। इसके बाद विराट और गंभीर ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। भारत को 114 रन पर तीसरा झटका लगा। वैसे तो 3 विकेट के बाद युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन धोनी UV को रोकते हुए खुद बल्लेबाजी करने गए। धोनी ने उस फाइनल मैच में ऐसी बल्लेबाजी की जैसे वो किन्हीं डोमेस्टिक गेंदबाजों को खेल रहे हों। धोनी ने 78 गेंदों में 91 रन बनाए और वानखेड़े स्टेडियम में छक्का मारकर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। हिंदुस्तानियों के लिए वो रात किसी त्योहार से कम नहीं थी। उस रात टीम इंडिया के हर खिलाड़ी के आंखों में जीत के आंसू थे, पर धोनी तब पूरे मैदान पर मुस्कुराते नजर आए। पर धोनी बताते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर उस टाइम वो कैमरे की नजर में नहीं आ सके। धोनी ने ये भी बताया कि उन्होंने युवराज की जगह खुद को बैटिंग में क्यों प्रमोट किया। धोनी ने बताया, जब तीसरा विकेट गिरा तो मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। धोनी और मुथैया IPL में एक ही टीम के लिए खेलते थे, तो वो अक्सर नेट में मुथैया की बॉलिंग का सामना करते रहते थे, इसीलिए मुथैया को वो बहुत अच्छे से खेल लेते थे और इसीलिए वो युवराज की जगह बैटिंग करने गए। उनका ये डिसीजन कितना अद्भुत था, ये तो सभी ने देख ही लिया। साल 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास लेने के बाद माही को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया, जिसके बाद 2009 में भारत पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बना। न सिर्फ नंबर 1 बना, बल्कि भारतीय टीम लगातार 1 साल तक नंबर 1 टेस्ट टीम बनी रही। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2010, 2011 और 2018 की IPL ट्रॉफी जीती हैं। इसके साथ ही CSK ने चैंपियंस लीग भी जीती है। साल 2012 में धोनी ने 7वें नंबर पर खेलते हुए 1 शतक लगाया, जो ये रिकॉर्ड है कि किसी भी कप्तान ने 7वें नंबर पर खेलते हुए शतक नहीं लगाया है। 2013 में टीम इंडिया ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और 2013 में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में 4-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में व्हाइट वॉश करने का रिकॉर्ड भारत के नाम ही है, और वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। चलिए दोस्तों, अब महेंद्र सिंह धोनी और साची धोनी की प्रेम कहानी की बात करते हैं। धोनी के पिता जिस कारखाने में काम करते थे, उसी कारखाने में साची के पिता भी काम करते थे। साची और धोनी के पिता की आपस में अच्छी जान पहचान थी। धोनी और साची एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर उनकी आपस में कोई खास दोस्ती नहीं थी। साची की शुरुआती पढ़ाई के बाद उनका परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया। साची ने अपनी आगे की पढ़ाई देहरादून से की। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने औरंगाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साची ने अपनी ट्रेनिंग कोलकाता के ताज होटल से की थी, और उसी होटल में माही और साची की पहली मुलाकात हुई। ये बात साल 2008 की है। साची कोलकाता के ताज होटल में ट्रेनिंग कर रही थी और उसी होटल में भारतीय टीम भी रुकी हुई थी। तब तक महेंद्र सिंह धोनी काफी फेमस और कामयाब हो चुके थे। इसके बावजूद भी साची ने धोनी को नहीं पहचाना। साची धोनी से किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, एक आम कस्टमर की तरह पेश आई। साची की काम के प्रति ईमानदारी देखकर धोनी को साची बहुत पसंद आई।
धोनी ने साक्षी के एक दोस्त से उनका नंबर ले लिया। धोनी ने साक्षी को मैसेज किया तो साक्षी हैरान रह गई कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मुझे मैसेज कर रहे हैं। इसके बाद उन दोनों की बात होने लगी और वो एक दूसरे को डेट करने लगे। साक्षी और माही ने 2 साल डेटिंग करने के बाद 3 जुलाई 2010 को सगाई की और अगले ही दिन शादी कर ली। धोनी और साक्षी की रिलेशनशिप शादी तक प्राइवेट ही रही, जिससे उनकी शादी की खबर सुनकर सभी चौंक गए। धोनी ने अपनी शादी में 1-2 क्रिकेटर्स को छोड़कर किसी को नहीं बुलाया था, जिससे कुछ क्रिकेटर नाराज भी हो गए, पर धोनी ने कुछ टाइम में सबको मना लिया। धोनी एक अच्छे खिलाड़ी और कप्तानी की जिम्मेदारी के अलावा अपने परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। चाहे वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना हो या साक्षी को टाइम देना, वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। 6 फरवरी 2015 को जब साक्षी ने जीवा धोनी को जन्म दिया, तब धोनी उनके साथ नहीं थे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे। धोनी अक्सर प्रैक्टिस के टाइम अपना फोन खुद से दूर रखते हैं, इसीलिए बेटी पैदा होने की खुशी सुरेश रैना ने उनको बताई। जीवा निशानी है माही और साक्षी की सक्सेसफुल लव स्टोरी की, और जीवा खुद भी इतनी क्यूट हैं कि हर कोई उनके साथ खेलना चाहता है। एमएस धोनी ने 30 दिसंबर 2014 को अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। धोनी ने जनवरी 2017 को टीम इंडिया की कैप्टनसी भी छोड़ दी। अब वो केवल ODI और 2020 में एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे। धोनी ने 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अच्छी इनिंग खेलते हुए टीम इंडिया को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली रहे और रन आउट हो गए। वो ODI धोनी के करियर का आखिरी मैच था। धोनी ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद आर्मी में कुछ महीने सेवा दी। 15 अगस्त 2020 वो दिन था जब धोनी ने सभी तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलिए फ्रेंड्स, माही के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। 2011 इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान पाकिस्तानी फेमस क्रिकेट फैन चाचा को टिकट नहीं मिल रही थी। धोनी को जब ये पता चला तो उन्होंने चाचा के लिए टिकट का इंतजाम किया। धोनी की ये दरियादिली देखकर चाचा धोनी के व्यक्तित्व के कायल हो गए। जिस तरह सौरव गांगुली ने नेटवेस्ट सीरीज जीतने के बाद अपनी शर्ट उतारी थी, उसी तरह MS धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी शर्ट उतारकर एक बच्चे को दे दी। 2013 में TV न्यूज चैनल जी न्यूज ने धोनी पर IPL में फिक्सिंग की खबरें दिखाई। वैसे तो धोनी को जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर उनके चरित्र पर जी न्यूज ने इल्जाम लगाए तो उनको गुस्सा आ गया। एक्शन लेते हुए धोनी ने जी न्यूज पर मानहानि का केस कर दिया, क्योंकि जी न्यूज पर कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए धोनी से रिलेटेड सारी न्यूज और डिबेट उन्हें चैनल से हटाने पड़े। अगर जी न्यूज ऐसा नहीं करता तो उसे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होता MS धोनी को। 2017 इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज में तीसरे वनडे के दौरान श्रीलंकन क्राउड ने फील्ड में बोतल फेंकना शुरू कर दिया। इस सब को कंट्रोल करने के लिए मैच को आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। उस टाइम धोनी बैटिंग कर रहे थे, जब आधे घंटे को खेल रुका तो धोनी फील्ड पर ही सो गए। क्रिकेट जगत में ये बहुत अजीब घटना थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही। MS धोनी अपनी कप्तानी में हर सीरीज जीतने के बाद विनिंग बॉल अपने पास रखते थे। जब 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने पहली सीरीज जीती तो माही ने बॉल पर साइन करके विराट को बॉल गिफ्ट करते हुए बोला, इसे हमेशा संभाल कर रखना, ये फ्यूचर में तुम्हारी पहली सीरीज जीतने की याद दिलाएगी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले इंडिया पाकिस्तान फैंस में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वार छिड़ा हुआ था, और न्यूज में भी ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे ये कोई खेल नहीं, युद्ध होने वाला है। इसी बीच फाइनल मैच से पहले माही सरफराज के बेटे के साथ दिखे। सरफराज धोनी को अपना आइडल मानते हैं। उन्होंने बोला, मैंने अपने बेटे की फोटो धोनी के साथ इसीलिए खिंचवाई क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो देखेगा कि मैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के हाथों में था। अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पर माही ने 90 टेस्ट खेलकर ही संन्यास ले लिया। धोनी कभी माइलस्टोन अचीव करने के लिए नहीं खेलते। महेंद्र सिंह धोनी लगातार 2 साल ODI रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि धोनी दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं और मैं भाग्यशाली हूं जो उनकी कप्तानी में खेला। धोनी बोलते हैं, मेरे करियर का बेस्ट मोमेंट वो था जब 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान में उपलब्ध सारा क्राउड वंदे मातरम गाने लगा।
साल 2016 में जब हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया तो उनके पहले ही ओवर में 21 रन पड़ गए। हार्दिक को लगा कि अब उन्हें उस मैच में दोबारा बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, पर अगला ओवर खत्म होते ही माही ने पांड्या को आवाज लगाई कि आजा दूसरा ओवर डाल। इसके बाद पांड्या ने 2 विकेट अपने नाम की और इंडिया ये मैच जीत भी गया। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मुझे पता था कि पांड्या वापसी करेंगे और इसीलिए उन्हें दूसरा ओवर दिया। इसी मैच में जब पांड्या ने क्रिस लिन की विकेट ली तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और जश्न मनाते हुए उन्होंने क्रिस लिन को बाहर जाने का इशारा किया। ऐसा करते हुए देख धोनी ने पांड्या से बोला कि तुमने जो किया है अब ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम पर बैन लग सकता है। पांड्या को इसके बाद 50% फीस से हाथ धोना पड़ा। पांड्या ने बताया कि धोनी की वजह से मुझे टीम में अपनी वैल्यू की समझ आई। सुरेश रैना ने 2011 वर्ल्ड कप का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि सेमीफाइनल में जब उमर अकमल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसी टाइम रैना उन्हें स्लैज करने लगे। रैना की इस हरकत की शिकायत उमर अकमल ने धोनी से करते हुए कहा, धोनी भाई देखो ये गाली दे रहा है, इसे प्लीज चुप करा दो। इसके बाद जब ओवर खत्म हुआ तो धोनी रैना के पास गए और बोले, तू रुक मत, ऐसे ही बोलता रहे। धोनी ने बतौर कप्तान ODI क्रिकेट में 204 छक्के लगाए हैं और उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। MS धोनी मूवी में धोनी के एक दोस्त संतोष को दिखाया गया और ये भी दिखाया गया कि हेलीकॉप्टर शॉट खेलना धोनी को संतोष ने ही सिखाया। साल 2013 में संतोष की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उनके इलाज में धोनी ने काफी खर्चा उठाया, पर जब उनकी तबीयत और बिगड़ी तो माही ने हेलीकॉप्टर भेजा उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के लिए, पर तब तक संतोष दम तोड़ चुके थे। धोनी को 2010 में फिल्म करने का ऑफर आया था जिसके लिए वो तैयार भी हो गए थे। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले थे जो कि एक कॉमेडी फिल्म होती, पर प्रोडक्शन में परेशानी के चलते ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं हुई। धोनी का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 224 रन था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। अब तक कोई भी इंडियन विकेट कीपर इतना स्कोर नहीं बना पाया है। क्रिकेट के अलावा धोनी को रॉजर फेडरर बहुत पसंद हैं और बॉलीवुड में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना पसंद है। इसके साथ किशोर कुमार और लता मंगेशकर उनके फेवरेट सिंगर हैं। 2008 श्रीलंका टूर पर वीरेंद्र सहवाग के चोटिल होने के बाद माही ने ही विराट कोहली को डेब्यू करने का मौका दिया। धोनी उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं। उनका मानना है कि इससे उन पर मैच में कम स्ट्रेस रहता है, शायद इसीलिए वो मैदान पर इतने कूल दिखाई देते थे। माही कभी भी मैच से पहले कीपिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो सिर्फ फील्डिंग, बैटिंग या कैचिंग प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा वो फुटबॉल और स्प्रिंट मारते भी नजर आते थे। विकेट कीपर होते हुए धोनी ने कई बार बॉलिंग की है और उन्होंने ODI में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक विकेट भी लिया है। साल 2013 में कैंसर पेशेंट इलाज के लिए धोनी ने अपने ग्लव्स और बैट नीलाम किए थे। धोनी चैरिटी करते रहते हैं पर वो कभी इस बात को मीडिया में नहीं आने देते। धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना मुंडन करवाया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो अपने बालों का त्याग कर देंगे। धोनी को बाइक्स का बहुत शौक है और अभी उनके पास लगभग 20 बाइक्स हैं। इसके साथ ही धोनी की खुद की बाइक रेसिंग टीम है जिसका नाम है माही रेसिंग टीम इंडिया। धोनी के फेवरेट क्रिकेटर तो हमेशा से सचिन तेंदुलकर रहे, पर पूर्व ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट उनके आइडल थे। धोनी ने अपनी लाइफ में जितने अचीवमेंट अपने नाम किए उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सब अचीव कर लेंगे। धोनी ने काफी स्ट्रगल किया है पर वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताना कम ही पसंद करते हैं। धोनी इकलौते ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। 2007 में उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीता और 2013 में उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी अपनी वाइफ साक्षी को बहुत कम क्रिकेट टूर्स पर ले जाते थे, पर जब भी कभी साक्षी उनके साथ जाती थी तो धोनी उन्हीं के हाथों का बना खाना खाते थे। साल 2016 में एक मैच में धोनी बोल्ड हो गए और विकेट की बेल्स उनकी आंखों में जा लगी। कोई भी खिलाड़ी आंख में चोट के बाद शायद खेलने नहीं जाता, पर धोनी उस मैच में फील्ड में गए और पूरे मैच में कीपिंग भी की थी। दोस्तों खिलाड़ी तो बहुत आए पर दूसरे MS धोनी मिलना नामुमकिन है। वो अपनी जीत का श्रेय कभी नहीं लेते थे, धोनी हर जीत को टीम की जीत बताते रहे हैं। दोस्तों धोनी अब नीली जर्सी में कभी नहीं दिखेंगे,
पर उनकी लाइफ स्टोरी हमेशा लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रे के साथ कि धोनी रिटायरमेंट के बाद एक बेहतरीन जिंदगी जिए, हम इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। श्री महेंद्र सिंह धोनी खेल क्रिकेट एक्शन चलो எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு கேமு நாச்சோ பாலோ அச்சு கேம்சோ மஜாமா கைசன் பா சிக்கே பா கிதா வடியா இன்ஷா அல்லாஹ் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் யம்மி யூ ஹேவ் டு ஈட் தம் Now, you understand? Now you understand? Yeah. I'm going to sing to you. Listen, ma. Okay, ma. I'm going to sing to you. Are you laughing? Nalla. Papa. Papa, what do you want to do? Papa, I want to do it. What do you want to do? How do you want to do it? आप लोगों ने जाओ ना। मैं जाऊंगा कैसे हाथ करें? अभी जाऊं बेटा जिंदगी और के कैसे हक करना है ये बताओ पहले ऐसे अच्छा पापा इधर आओ पापा किसमें वो आ गए पापा आ गए ऊपर अरे बाप रे बाप वहां पे पापा को बुलाओ ना तेरी बैटिंग के टाइम पे क्यों कोई और टाइम होता तो मैं कर मैं ना जी कैसे जाऊं आपने ये पहना हां इसीलिए इसीलिए देख लो ये भी पहना है ये भी पहना है फिर जाओ ना भाई साक्षी माही 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 हां माही मंकी फेस मंकी फेस Both of your monkeys. You are made this must be this. You are made this must and a happy new year. Doggy, how many have you? Six. 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 Where are you? Where are you? Who did it? Who did it? Who did it? आपने किया जीवा ने किया जीवा ने किया म्याऊ 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 कनी कनम नेरम कम ने लेने नेरमालम मन्ना टोकल टाटी कनका कंगे खोल करो दे दो अरुम काने Yeah, yeah, yeah.
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।